हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू ट्रिपल एस दिस इज़ सरवत रशीद विद अ न्यू सेशन ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर हम लोग जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशनस हैं जम्मू कश्मीर की इन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे और इन अपने इस टॉपिक को दो तीन सेशन के अंदर दो तीन लेक्चर्स में हम इसे कम्प्लीट करेंगे एंड ये दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स चाहे वो जेके एस एस बी का है चाहे वो जेके पी एस सी का है हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड येस इफ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रिपल एस एंड डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन आवर वीडियोस सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कठुआ कठुआ जो कि जम्मू डिवीजन के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है पहले तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू डिवीजन के अंदर वी हैव टेन डिस्ट्रिक्स और कश्मीर डिवीजन के अंदर वी हैव टेन डिस्ट्रिक्स यानी कि ओवरऑल वी हैव ट्वेंटी डिस्ट्रिक्स तो पहले हम जम्मू डिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं जहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशनस को हम डिस्कस करेंगे वो है कठुआ कठुआ के अंदर सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत जगह है जिसका नाम है बनी जिसके बारे में हम बहुत कम लोगों को पता होता है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव वैली जो कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्नो कवर्ड होती है विंटर्स के अंदर और इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल इट इज़ ऑल्सो नाउन एज़ मिनी कश्मीर फाइन एंड येस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ गॉड्स क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आसपास में जो है पिलग्रीमेज़ काफी ज़्यादा पिलग्रीमेज साइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स हैं यहाँ पर इसलिए इसको लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है बनी जो है ये कठुआ के अंदर एक तहसील का नाम है ठीक है एक विलेज है बनी और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एक डेस्टिनेशन है तो काफ़ी लोग जो हैं इस डेस्टिनेशन पर आजकल काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म जो है यहाँ पर बढ़ रहा है उसके बाद वो है सुकराला माता जो कि हिंदुआज़म से लिंक्ड है हिंदुज़म से जुड़ा हुआ है सुकराला माता टेंपल है जो कि कठुआ के अंदर है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यहाँ काफ़ी सारे डिवोटिस जो हैं हर साल आते हैं हमेशा यहाँ पर जो यहाँ के दर्शन करने आते हैं और यहाँ सुकराला माता को वैष्णो माता जो कि वैष्णो देवी जी हैं उनका एल्डर सिस्टर माना जाता है और बिलावर के अंदर यानी कि कठुआ के अंदर बिलावर है बिलावर के अंदर जो है ये सुकराला माता का टेंपल है माना जाता है कि सुकराला माता यहाँ पर एक पोएट थे यहाँ सुकराला विलेज के अंदर एक पोएट थे जिनका नाम था त्रिलोचन त्रिलोचन के रिक्वेस्ट पर जो है सुकराला माता यहाँ पर आई थी क्योंकि त्रिलोचन उनके काफ़ी बड़े डिसाइपल थे और वो उनके कहने पर यहाँ पर उन्होंने जम्मू में बिलावर में वो आई थी यहाँ पर ठीक है देन वी हैव पुर्थू बीच पुर्थू बीच के बारे में बताऊँ पुर्थू बीच जिसे मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है एक आर्टिफिशल लेक एक आर्टिफिशियल बीच है जो कि रावी के किनारे पर बनाया गया है रिवर रवि के किनारे पर बसोली टाउन में ठीक है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत डेस्टिनेशन है इसे गूगल करके ज़रूर देखें और ज़रूर यहाँ विज़िट करें क्योंकि यहाँ पे एक तो ये आर्टिफिशली इसको क्रिएट किया गया और इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे पाम ट्रीज़ को लगाया गया है और इसकी ब्यूटिफिकेशन की गई है सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस आप ज़रूर विज़िट करें देन वी हैव अटल सेतु अटल सेतु के बारे में सबने सुना होगा अटल सेतु जो कि जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है ये एक सेतु एक ब्रिज है जो कि बसोली और पठानकोट को कनेक्ट करता है यानी कि जम्मू कश्मीर और पंजाब को क्या करता है आपस में लिंक करता है कनेक्ट करता है ये बसोली से बसोली में है जो कि कठुआ के अंदर है बसोली से निकलता है और बसोली से लेके पठानकोट में कनेक्ट हुआ है इसकी खास बात ये है कि ये केबल स्टेट है यानी कि ये देखें यहाँ पे आपको दिखेगा इट्स केबल स्टेट ब्रिज और हाँ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में हाँ ये पहला ब्रिज है और इंडिया के अंदर दिस इज़ फोर्थ ऑफ इट्स काइंड यानी कि फोर्थ ब्रिज इंडिया के अंदर ऐसा बना है जो इस तरह का है इसके अलावा जो ये ब्रिज है ये ऐसे ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हैं ये मुंबई में एक ब्रिज है उसके अलावा इलाहाबाद और उसके बाद कोलकाता के अंदर जो है ऐसे ब्रिजेस ऑलरेडी पाए जाते हैं और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये तीन स्टेट्स को अटल सेतु जो है ये कनेक्ट करता है और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये और अटल सेतु तीन डिस्ट्रिक्स को जो है सॉरी स्टेट्स को कनेक्ट करता है फर्स्ट वन इज़ जे एंड के अदर वन इज़ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश तो इन तीन को आपस में कनेक्ट करता है फाइन उसके बाद वी हैव जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कठुआ के अंदर है ये काफ़ी ज़्यादा वेल uh, नाउन well एक हैबिटेट uh, है काफ़ी सारे जानवरों के लिए काफ़ी सारे बर्ड्स के लिए यहाँ की जो सबसे मेन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मिलता है या पाया जाता है ये जानवर ये एनिमल है दैट इज़ शीतल डियर या फिर एक्सेस डियर जिसको जाना जाता है उसके अलावा जसरोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बैंबू प्ले बैम्बू प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे काफ़ी सारा बैम्बू जो है उगाया गया है यहाँ पर इनकी प्लांटेशन की गई है देन वी हैव एयर वन टेम्पल एयरवान टेम्पल जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है ये भी कठुआ के अंदर है और काफ़ी इसकी मान्यता है क्योंकि यहाँ पर एक तो ये सबसे पहले डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को ठीक है लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है उसके अलावा यहाँ पर एक गुप्त गंगा करके एक पोंड है एक पानी है जिसे जो कि काफ़ी हॉली वाटर जिसे कंसिडर किया जाता है और जो भी लोग आ, गंगा में जा, जा कर के या हरिद्वार में जा कर के अपने आ, किसी की जो अस्थि जो अस्थियाँ जो हैं सॉरी आई आई डोंट नो इसे अस्थियाँ ही बोलते हैं या अस्थियाँ जो हैं इन्हें बहा बहा नहीं सकते हैं हरिद्वार में जा कर के तो वो यहाँ पर गुप्त गंगा में के हॉली वाटर में यहाँ पर इसे क्या करते हैं बहाते हैं ठीक है इसको बनवाया था किंग विक्रम आदित्य ने ठीक है सो वन टेम्पल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद भी है रंजीत सिंह सागर डैम रंजीत सागर डैम जो है ये बसोली में है इसे थेन डैम के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय पंजाब गवर्नमेंट ऑन रिवर वॉट रिविच रिवर रावी रिवर के ऊपर बनाया गया है और जम्मू और कश्मीर और पंजाब के लिए दोनों के लिए जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल है दोनों को ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है उसके साथ साथ इरिगेशन परपजेस के लिए इसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है रंजीत सागर डैम ठीक है नेक्स्ट वी हैव सांबा डिस्ट्रिक्ट अब सांबा में हम पढ़ते हैं सांबा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं या जो टूरिज़्म साइट्स हैं सबसे पहले वी हैव श्री नार सिंह देव जी टेम्पल श्री नार सिंह देव जी टेम्पल जो है ये सांबा के अंदर है जो कि माना जाता है कि लगभग सत्रह सौ साल पुराना टेम्पल है और यहाँ पर घगवाल टाउन जो है सांबा के अंदर वहाँ पर ये पाया जाता है वहाँ पर लोकेटेड है और इसके अलावा दिस इज़ डेडिकेटेड टू तो लॉर्ड विष्णु लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड है और नवरात्र के टाइम पर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्शन लेने के लिए लोग आते हैं नवरात्रा के टाइम पर काफ़ी लोग यहाँ पर डिवोटीज़ जो है यहाँ विज़िट करते हैं उसके बाद भी है बाबा सिद्ध गोरियां श्राइन बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन जो है ये सांबा में है जहाँ काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्स काफ़ी स्टेट्स से जो है अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर आते हैं टू तो टेक डिप इन द होली सरोवर ऑन टू ट्यूज़डेज़ एंड संडेज ठीक है यहाँ पर भी पानी है यहाँ पर भी हॉली वाटर है जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा ख़ास तौर पर ट्यूसडे के दिन और संडेज़ के दिन यहाँ पे पर्टिकुलरली लोग आते हैं डिप लेने के लिए माना जाता है कि ये जो सिद्ध गोरिया श्राइन है यहाँ पे आ, इस आ, जो यहाँ का हॉली वाटर है इसमें आपका स्नान करने से या यहाँ पर डिप करने से यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी डिजीज़ हैं वो क्योर हो जाती हैं ठीक है ठीके? और यहाँ की जो विभूति है यानी कि यहाँ की जो हॉली जो सॉइल है यानी कि मिट्टी है उससे भी लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा क्योर होती हैं डिजीज़ काफ़ी बीमारियाँ ठीक होती हैं ठीक है ठीके? उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव चीची माता चीची माता जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि चीची माता टेम्पल सांबा के अंदर है इसे वैष्णो माता देवी का गेटवे कहा जाता है यानी कि माता वैष्णो देवी जो कि हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पहुँचने के लिए वहाँ जाने के लिए जो गेटवे है वो हमारी चीची माता है और इससे पहला दर्शन कहा जाता है यानी कि वैष्णो देवी या की यात्रा के लिए जो भी इंसान निकलता है उसे पहला दर्शन चीची माता से होकर के देकर के निकलना पड़ता है ठीक है तो इट इज़ ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ पिलग्रेवेज टू वैष्णो माता देन वी हैव मोहरगढ़ फोर्ट मोहरगढ़ फोर्ट जो है ये काफ़ी पुराना फोर्ट है जो कि माना जाता है कि पांडवाज ने बनवाया था पांडव्स ने बनवाया था अपने शेल्टर के लिए यानी कि जब भी वो एग्जाइल के लिए या फिर कभी यहाँ पर अकेले अलग से अलग हो जाते थे या किसी जगह पर मेडिटेशन्स uh, या प्रेयर्स के लिए अलग निकल आते थे कहीं पर तो उस जो टाइम पर शेल्टर के लिए उन्होंने ये मोहरगढ़ फोर्ट बनवाया था ये भी सांबा के अंदर है ठीक है लेकिन लेस कंसिडर्ड है लेस लेस एक्सप्लोर्ड है काफ़ी कम लोग यहाँ पर लोगों को पता है इसके बारे में लेकिन ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट वॉज़ इट वॉज बिल्ड बाई पांडव्स themselves, okay for their shelter during exiles. Fine, then. वी हैव उधमपुर लेट्स डिस्कस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले तो पत्नी टॉप पत्नी टॉप जो है इसके बारे में हम सब ने सुना इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टॉप डेस्टिनेशन जो कि उधमपुर के अंदर है और शिवालिक रेंजेस पर है ठीक है उसके बाद हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंट ये है इसका नाम जो है कहाँ से आया तो पहले इसको कहा जाता था पट्टा दा तला ठीक है पट्टान दा तलाब से इसका नाम ड्राइव हुआ था और इसका मतलब था पोंड ऑफ प्रिंसेस फ़ाइन पोंड ऑफ प्रिंसेस तो पत्नी टॉप जो है काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है जो कि उधमपुर के अंदर है उसके बाद नथा टॉप जो है पत्नी टॉप से ही कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है ये भी काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है और काफ़ी हाइट पर है जहाँ से किश्तवाड़ रेंजेज़ और काफ़ी सारी वैलीज जो हैं इनको देखने का इंसान को जो है एक ब्यूटीफुल व्यू नज़र आता है इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फाइन देन वी हैव किमची टेम्पल्स जो कि उधमपुर के अंदर हैं ये काफ़ी खूबसूरत टेम्पल्स हैं ये लगभग सेवन टेम्पल्स इन टोटल हैं जिनमें चार जो है काफ़ी बड़े टेम्पल हैं और तीन छोटे टेम्पल जो कि लॉर्ड शिव जी को क्या है डेडिकेटेड हैं और उसके अलावा ये टेम्पल जो हैं इनको पांडव टेम्पल भी कहा जाता है ठीक है ये लगभग तीन हजार थर्ट थ्री थाउजेंड बी सी में दे वस्ट्रक्टेड और दे आर बेस्ड ऑन ग्रीक इन्फ्लुएंसेस दे आर बेस्ड ऑन इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर ठीक है इसमें चार जो है बड़ी बड़े मंदिर हैं तीन छोटे तीन छोटी छोटे मंदिर हैं उसके अलावा यहाँ पर हाँ इसके अलावा यहाँ पर गणेश भगवान शिव भगवान और पार्वती की डायटरीज़ हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे वॉल पे वॉल्स पर भी काफ़ी जो है कार्विंग्स हुई हैं और काफ़ी चीज़ें बहुत खूबसूरत टेंपल्स हैं जो कि उधमपुर के अंदर हैं किमची टेंपल्स ठीक है दीज आर किमची टेंपल्स फाइन दे नेक्स्ट वन इज चिनानी नाशरी टनल जिसके बारे में हम सबको अभी पता है क्योंकि रिसेंटली ये बना और इसका नाम जो है चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया गया है ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है जिसकी लेंथ लगभग नाइन किलोमीटर्स के करीब है इट्स इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और ये उधमपुर से रामबन को जो है कनेक्ट कर रहा है और एक काफ़ी शॉर्ट जो है काफ़ी डिस्टेंस को जो है ये कम कर रहा है ठीक है उधमपुर टू तो रामबन को ये कनेक्ट कर रहा है चनैनी नशरी टनल फ़ाइन नेक्स्ट वन इज़ या इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रह सकता है कि चनैनी नशरी टेम्पल जो है टनल जो है इसको रिसेंटली किस नाम से क्या नाम दिया गया है या श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है ये कहाँ पर है तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है चनैनी नशरी टनल एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बोथ आर सेम थिंग एंड दे आर कनेक्टिंग दिस दिस टनल इज़ कनेक्टिंग उधमपुर टू रामबन फाइन सो नेक्स्ट वन इज़ बिल्लो की पौड़ी बिल्लो की पौड़ी ये जो है ये भी उधमपुर के अंदर है एक बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पे पौड़ी से ही पता चलता है पौड़ी मतलब के सीढ़ियाँ या स्टेप्स या स्टेयर्स जो कि लगभग फोर हंड्रेड स्टेप्स हैं जिनको एक रॉक के अंदर काव किया गया है काफ़ी हाइट पर और इसको चनैनी के जो किंग थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था उन्होंने काव करवाया था ताकि वो शॉर्टेस्ट वे ढूंढ सकें बटोत जाने के लिए लेकिन बटोत के लिए उन्होंने एक रास्ता ढूंढा था शॉर्टेस्ट रास्ता और ये काफ़ी हाइट पर है काफ़ी ज़्यादा स्टीप जो है इसकी जो सीढ़ियाँ हैं ये काफ़ी स्टीप है और काफ़ी खूबसूरत इससे जो है ऊपर जा कर के टॉप पर वैली नज़र आती है आगे पीछे ठीक है और अब तो यहाँ पर काफ़ी पैराग्लाइडिंग वगैरह भी जो है स्टार्ट हो गई है एक डेस्टिनेशन uh, बन गई है फाइन देन वी हैव बबोर टेम्पल्स जो कि लगभग छः टेम्पल्स हैं उनकी सिर्फ अब रिइंस जो हैं बाकी रह गए हैं अब टेम्पल्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ तीन टेम्पल्स हैं उनके भी सिर्फ र्यूइंस विजिबल है और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे डिवोटीज़ जो हैं काफ़ी यहाँ पर विजिट करते हैं और ये टेम्पल जो हैं बबूआ टेम्पल्स ये भी उधमपुर के अंदर हैं और दे आर डेडिकेटेड टू तो लॉर्ड शिव एंड पार्वती फाइन बबू टेम्पल्स देन वी हैव पिंगला देवी श्राइन अब देखो पिंगला देवी श्राइन जो है ये भी उधमपुर uh, के अंदर है फाइन इट हैज़ अ स्मॉल केप जो कि के बाहर से काफ़ी छोटी नज़र आती है लेकिन अंदर इट कैन अकोमोडेट अराउंड 500 पीपल मोर देन 500 पीपल फाइन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि यहाँ पर जो डिवाइन पावर है या जो गॉड God है गॉडेस हैं वो किसकी फॉर्म में है पिंडीज़ की फॉर्म में है पिंडीज मतलब क्या होता है पिंडीज मतलब होता है इनकारनेशन ठीक है इनकारनेशन या फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो है गॉड एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर इनकी जो है पिंडीज रखी गई हैं ठीक है देन वी हैव ये मोर थिंग ये जो पिंडीज है आई गेस ये लॉर्ड जो सॉरी गॉडेस जो शक्ति है उनकी मैनिफेस्टेशन होती है यानी कि उनको कंसीडर किया जाता है इन्हें पिंडीज को ठीक है अब अगर इफ आई एम रोंग डू टेल मी लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अब ये जो पिंडीज होती हैं दे आर अबस्ट्रैक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस गॉडेस शक्ति ठीक है देन वी हैव रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी डिस्ट्रिक्ट भी जो है हमारे जम्मू प्रोविज़न में है जम्मू डिवीजन में है यहाँ पे सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे सबसे पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है दिस इज़ भीमगढ़ भीमगढ़ जो है ये भीमगढ़ फोर्ट ये काफ़ी वेल well नोन फोर्ट है काफ़ी जाना जाता है रियासी फोर्ट इसको कहा जाता है इसको रियासी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको क्ले से बनाया गया था ठीक है लेकिन बाद में जो महाराजा रशपाल राणा है इनके जो सक्सेसर्स थे इन्होंने इसको एक दूसरी इस फॉर्म में लाया था ठीक है एक अलग फॉर्म में लाया था यानी कि क्ले से इसको चेंज करके दूसरी फॉर्म में लाया था एक फोर्ट की शेप दी थी फोर्ट की शक्ल दी थी और उस ये उससे जितने भी हेयर्स थे महाराजा रशपाल राणा के वो यहाँ पर एज इन द टाइम ऑफ एमरजेंसीज वो यहाँ पर आया करते थे शेल्टर लेने के लिए ठीक है लेटर ऑन एटीन में गुलाब सिंह जी जो हैं उन्होंने यहाँ पर काफ़ी चेंजेस ली इसकी रेनोवेशन करवाई एक नया गेट बनवाया जहाँ पे बलूका स्टोन ऑफ राजस्थान जो है उसे यूज़ किया गया और यहाँ पे राजस्थान कार्विंग्स की गई ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक स्टोन वॉल जो है ये जो मैं नज़र आ रही है ये कंस्ट्रक्ट की गई बाय गुलाब सिंह जी एंड ऑल्सो यहाँ पर एक गॉडेस महाकाली का टेम्पल है ठीक है एक सॉरी एक टेम्पल है वहाँ पे गॉडेस महाकाली के जो है आइडल्स हैं और गॉड हनुमान का स्टैचू भी है ठीक है तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और यहाँ पर कार्विंग्स वगैरह हैं गेट्स पर काफ़ी सारे भगवान काफ़ी सारे जितने भी लॉर्ड ये सॉरी गॉडेस महाकाली की और गॉड हनुमान की भी जो है यहाँ पर काफ़ी सारी कार्विंग्स की गई हैं ठीक है देन वी हैव बाबा अगर जीतो अब बाबा अगर जी तो जो है ये एक बाबा अगर जी तो काफ़ी जाने जाते हैं हिस्ट्री में ऑफ जम्मू क्योंकि इन्होंने अपनी जान दे दी थी ये एक फार्मर थे जिन्होंने अपनी जान सिर्फ फार्मर्स के राइट्स के लिए दी थी यानी कि इन्होंने ही सक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर गेटिंग ड्यू शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स यानी कि उनको अपने जो उनका हक़ था एग्रीकल्चर क्रॉप से जो उनका हक बनता था उसको लेने के लिए जो जागीरदार्स क्या करते थे जो फार्मर्स को उनका हक़ नहीं देते थे इन्होंने अपनी जान सिर्फ इसलिए दे दी थी आग में कूद करके कि जितने भी जागीरदार हैं जितने भी जागीरदार के आगे फार्मर्स काम कर रहे हैं फार्मर्स को उनका हक मिले ठीक है क्रॉप्स में से तो इन्होंने एक जागीरदार जो इनके थे बीर सिंह उन्होंने इन्हें इनको अपना हक जो है देने से मना कर दिया था यानी कि जो इनका क्रॉप शेयर था एग्रीकल्चरल शेयर था वो देने से मना किया था काफ़ी काम करने के बाद तो इन्होंने उसकी वजह से अपनी जान दे दी थी और एक एग्जाम्पल सेट कर दी थी जितने भी फार्मर्स हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर यात्रा के लिए आते हैं ये इनकी ख़ास बात ये थी कि ये वैष्णो माता जो है इनकी इनके काफ़ी बड़े भक्त थे और ये वहीं रियासी में रास्ते में इनकी जो है ये स्थान है इनका यहाँ पर स्थापित है ठीक है एंड बाबा अगर जी तो जो है काफ़ी ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ श्री माता वैष्णो देवी ठीक है और ये कहाँ पर है रियासी डिस्ट्रिक्ट में है देन वी हैव सियार बाबा वाटरफॉल सियाार बाबा वाटरफॉल इज़ वेल well नाउन फॉल वाटरफॉल काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है जो कि लगभग थर्टी वन मीटर्स की हाइट पर है और यहाँ पर साथ में जो है एक टेम्पल भी है जिसमें काफ़ी सारे डिवोटर्स काफ़ी सारे लोग जो है आते हैं काफ़ी श्रद्धा है इसकी और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और काफ़ी लोग यहाँ पर विजिट करते हैं ठीक है थीके? और ज़्यादा इसमें यही है कि यहाँ पर एक काफ़ी हाइट में वॉटरफॉल है ठीक है जो कि लगभग थर्टी वन मीटर्स की हाइट पर है द नेक्स्ट वन वी हैव शिव खोड़ी शिव खोड़ी जो एक फेमस काफ़ी जाना जाता है ये एक ऐसा केव है हिंदू हिंदू हिंदुज़्म हिंदु, से लिंक्ड है ये भी और ये दिस केव इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव ठीक है और ये है रियासी के अंदर ठीक है रियासी के अंदर है इसकी जो लेंथ है लगभग हाफ अ किलोमीटर है और ये Uh, यहाँ पर फोर फीट हाई शिवलिंगम जो है वो पाया जाता है इसको कहा जाता है कि जो ये शिवकोड़ी जो केव है ठीक है दिस इज़ अ केव जो कि हाफ किलोमीटर लेंथ में है शिवकोड़ी जो केव है ये इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ शिव डमरू यानी कि बीच से जो है ये केव काफ़ी uh, ज़्यादा कंजेस्टेड है लेकिन सेंटर साइड्स पर से ये काफ़ी वाइड है एजिस पर से ये काफ़ी वाइट है यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस केव में आते हैं खासतौर पर शिवरात्रि के वक्त ठीक है लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है देन वी हैव श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो कि काफ़ी पुरानी श्राइन है और इंडिया में सबसे ज़्यादा पुरानी श्राइन है और काफ़ी ज़्यादा इसकी काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है यहाँ पर लोग काफ़ी लोग यहाँ पर विजिट करते हैं और काफ़ी वैल्यूएबल है काफ़ी वैल्यू है इसकी ये त्रिकुटा हिल्स पर है शिवालिक रेंजेस की यहाँ पर जो माता जो माता का एडोब है यानी कि माता जो हैं वो लगभग सौ फीट लॉन्ग केव यानी कि हंड्रेड फीट लॉन्ग एक केव है उसके अंदर जा कर के माता का एडोब है यहाँ पर काफ़ी लोग इसके अंदर जाते हैं इसे काफ़ी अच्छा समझते हैं उसके अंदर जाना और इस केव की जो है काफ़ी स्मॉल काफ़ी नैरो ओपनिंग है ठीक है जहाँ पे अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है उसके अलावा यहाँ पर अंदर थ्री पिंडीज़ हैं वही थ्री पिंडीज़ जो मैंने आपको बताया था थ्री इंकारनेशंस यहाँ पे इनकारनेशन ऑफ माता सरस्वती माता लक्ष्मी और माता काली की जो पिंडीज़ हैं वो हैं अब जो माता सरस्वती हैं शी इज़ यू नो द गॉड ऑफ क्रिएटिविटी शी ये क्रिएशन को रिप्रजेंट करती हैं माता लक्ष्मी प्रिजर्वेश प्रजर्वेशन प्रिजर्वेटिव हैं और जो माता काली हैं शी इज़ Uh, the representation शी represents what डिस्ट्रक्शन ठीक है एक बनाती है एक प्रिजर्व करती हैं और एक डिस्ट्रक्ट करती हैं तो ये माता काली जो हैं डिस्ट्रक्टिव साइड्स को सुपर पावर की जो गॉड हैं गॉड की सुपर पावर गॉड की जो um, थ्री साइड्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं और ये तीन पिंडीज़ जो हैं माता वैष्णो देवी के अंदर हैं यानी कि केव के अंदर हैं जो कि हंड्रेड मी, मीटर्स जो है लॉन्ग केव है हंड्रेड फीट लॉन्ग केव है फाइन देन वी है बाबा धनसर बाबा ढंसर जो है ये करुआ झील यानी कि जो रियासी में एक झील है जिसका नाम है करुआ वहाँ पर लोकेटेड है बाबा धनसर जो थे वो बेसिकली वसुदेवा के बेटे थे अब वसुदेवा कौन थे वासुदेवा जो है ये शीश नाग नांक, नाग के अवतार थे ह्यूमन अवतार थे ठीक है तो बा, जो बाबा ढनसर हैं इन्होंने क्या किया था इन्होंने जब एक बार यहाँ पर करुआ के अंदर यानी कि रियासी यहाँ पर रियासी के अंदर एक डेमन जो था एक डेमन आ गया एक डेविल आ गया उसने काफ़ी लोगों को तंग करना शुरू कर दिया तो उसको ख़त्म करने के लिए जो बाबा डंसर हैं इन्होंने अपनी काफ़ी लड़ाई काफ़ी उसके साथ जो है युद्ध किया और उसमें उन्होंने लॉर्ड शिव की भी हेल्प की और लॉर्ड शिव ने इनके साथ मिल के इन इन्होंने उस डेमन को जो है ख़त्म कर दिया झील के पास तो इस झील को काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट माना जाता है काफ़ी लोग यहाँ पर विजिट करते हैं नहाते हैं स्नान करते हैं यहाँ नहीं करते हैं यहाँ झील को सेक्रेट माना जाता है इसलिए को इस यहाँ पर कोई विजिट नहीं यहाँ पर स्नान तो नहीं किया जाता लेकिन इसके पास नीचे की तरफ कुछ हॉली वाटर है वहाँ पर लोग जो है स्नान करते हैं और इसको काफ़ी सीक्रेट कंसीडर किया जाता है काफ़ी लोग जो है यहाँ विजिट करते हैं फाइन देन वी हैव रामबन अब रामबन एक uh, रामबन भी एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे जम्मू डिवीजन में रामबन में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक वैली है डगन टॉप जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है दोगन टॉप टॉप और डगन टॉप आई नो आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम डगन और डोगन फाइन सो तो ये एक काफ़ी खूबसूरत जगह है जो कि काफ़ी लश्क्रीन मिडोज़ हैं यहाँ पर काफ़ी चिरागहें काफ़ी खूबसूरत व्यू है, है यहाँ का और इसकी हाइट लगभग 2000 मीटर है यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेस्टिनेशन ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रही है काफ़ी लोग यहाँ विजिट करते हैं दिस इज़ डगन टॉप देन वी हैव सनासर सनासर जो है ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है ये लगभग पत्नी टॉप से 20 किलोमीटर की दूरी पर है ऊपर 20 किलोमीटर वेस्ट पर है ये इट इज़ बेस्ड ऑन इट इज़ नेम्ड आफ्टर टू लेक्स सना एंड सर फाइन एंड इट हैज़ बिकम अ हब फॉर एडवेंचर एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज़ सो सनासर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल प्लेस देन वी हैव शंखपाल टेम्पल शंख पाल टेम्पल जो है ये लगभग चार सौ साल पुराना टेम्पल है जो कि काफ़ी हाइट पर है सनासर से आगे सनासर से भी कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है इट्स वेरी ब्यूटीफुल और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है विजिट करते हैं काफ़ी डिवोटीज़ यहाँ पर विज़िट करते हैं इस टेम्पल की खास बात यह है कि जब इसको क्रिएट किया गया यहाँ पर किसी तरह का मोटर यूज़ नहीं किया गया यानी किसी तरह की सीमेंटिंग या इसको जोड़ने के लिए कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया गया सो so, इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है देन वी है पोगल परिस्तान पोगल परिस्तान इज़ ऑल्सो अ वैली जो कि काफ़ी खूबसूरत वैली है जिसे नाम दिया गया है दो रिवर्स के बाद पोगल एंड परिस्तान सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ फेयरिस दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस इन रामबन फाइन सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है आज का लेक्चर यानी कि पाँच डिस्ट्रिक्स को आज हमने कवर किया जो कि जम्मू डिवीज़न की है अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के जो रिमेनिंग जो डेस्टिनेशंस हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जम्मू डिवीजन के के डिस्ट्रिक्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत या कहीं कोई स्किप uh, किया है कि नेम में प्रोनाशिएशन में कुछ गलत किया है आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में और साथ साथ इनमें से कौन कौन सी जगह पर आप लोगों ने विज़िट किया है और इनके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो लोग रहते हैं जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स में उनको लगता है कि और भी इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं आप ज़रूर कम कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मैं उसे भी कंसीडर करूँगी थैंक यू सो मच मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में